बदी के मिट्टी से बने हुए उस शैतान देवता का जिस्म है। वक्त ने जिसने रूह तो छीन ली लेकिन जिस्म नहीं छीन सका। ऐसा इल्म दुनिया के मालिक, मुझे सदा बहार जवानी और लंबी उम्र अता फरमा। तुम मुझे क्या बेदखल करोगे बुड्ढे? मौत खुद तुम्हें दुनिया से बेदखल कर रही है। जलील कमीने बेहया, तुम्हारी ये हिम्मत, निकल जाए यहां से। अच्छा तो यही है तेरा वो शैतान देवता जिसको तू जिंदगी भर पूछता रहा, और इस नापाक लाश पर न जाने कितने मासूम इंसानों की बलि चढ़ा चुका। इस नक्शे का दूसरा हिस्सा इसी तरह एक लॉकेट में महफूज है, और वो लॉकेट आरती की बहन सपना के गले में है। विजय, मैं तुम्हें लॉकेट जरूर दूंगा लेकिन असली नहीं, नकली। असली मेरे पास रहेगा। नजरों से आज नजरे और दिल से दिल मिलाए, कुछ तुम करीब आओ कुछ हम करीब आए। शादी हो गई तुम्हारी? शराफत से मेरा रास्ता छोड़ दो। शराफत छोड़ देंगे, रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अबे चल दफा हो यहां से, नहीं तो तेरे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी मुझे। चल। अबे ओ शुतुरमुर्ग, अगर मुझे गुस्सा आ गया तेरे गुर्दे कपूरे काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। क्यों? चल ठीक है। अबे गेंडे, इतना मारूंगा कि तेरी माँ भी तेरी शक्ल नहीं पहचानेगी। ए हरामजादे, तेरी ये मजाल के तू मुझ पर हाथ उठाए, टुकड़े कर कर फेंक दूंगा समझे? टुकड़े तो मैं तेरे कर दूंगा। नहीं राणा, शाकाल काल का दूसरा नाम है, वो लॉकेट आज ही रात को मेरी मुट्ठी में होगा। जो करना है यार करेंगे, अगर देख कर लोग जलेंगे उनको जलने दो। सिलसिला ये प्यार का है इसको चलने दो। मैं तय खाने में पहुंची, मैंने वहां छुपा हुआ खजाना भी देखा, शकालों से लेने वाला था लेकिन लेकिन हुआ क्या? उसने शकल को मार डाला। वो तहखाना मौत का घर है, वहां एक खौफनाक शैतानी बला है, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है, उसी ने सबको मारा है।